नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। जीवन बीमा क्षेत्र की सरकारी कंपनी LIC की IPO का सोमवार को आखिरी दिन था। ये मेगा इश्यू करीब 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है। पॉलिसी अधिकारों के लिए सुरक्षित कोटे में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शंस मिले हैं, वहीं कर्मचारियों के कोटे को भी बेहतर रिस्पांस मिला है। हालांकि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP में अब गिरावट दर्ज की गई। इस IPO के जरिए सरकार अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जुटा रही है। कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। इश्यू 4 मई को आम निवेशकों के लिए और 2 मई को एंकर निवेशकों के लिए खोला गया। एंकर निवेशकों से LIC ने करीब 5,623 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। सभी मामलों में ये IPO बहुत अच्छा रहा, लेकिन अगर हम बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, यानी कि इसके GMP में, तो उसमें इस अब गिरावट आई गई है। तो अब जो विश्लेषक हैं, जो इस पर विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, उनका ये सवाल है, उनका ये पूछना है कि आखिर इतने बड़े IPO का GMP कैसे गिर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।